घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर यानी अज्ञात राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? एक होती है, वो रैखिक बहुपद होता है। और जिसमें दो अधिकतम घात होती है वो द्विघात बहुपद होता है, और जिसमें तीन अधिकतम घात होती है वह त्रिघात बहुपद होता है। एक और बहुपद होता है जिस बहुपद का मान शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। पी एक्स बराबर शून्य है तो ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। पदों के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक ही पद है, जैसे कि पी एक्स में एक ही पद है 3x, या 6 अकेला है तो एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद, ये देखिए 3x धन 2, दो पद हैं तो ये द्विपदी बहुपद है। ax धन b, दो पद हैं तो ये द्विपदी बहुपद है। त्रिपदी बहुपद देखिए, इसमें ax की घात 3 धन bx धन c, ये देखिए तीन पद हैं तो ऐसा बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। चतुर्भुज, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जो, देखिए ऐसा चतुर्भुज जो जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो, चक्री चतुर्भुज कहलाता है। ये चक्री चतुर्भुज है। पतंगाकार चतुर्भुज कैसा होता है? ये देखिए ऊपर की दोनों भुजाएं और नीचे की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसा चतुर्भुज कहलाता है पतंगाकार चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के प्रकारों में हम देखते हैं कि यदि इस चतुर्भुज में हम सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर कर दें, जैसे ए बी समांतर डी सी है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर कर दें तो यह कहलाने लगता है समलंब चतुर्भुज। लेकिन समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या है? ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसमें ये असमांतर वाली भुजाएं आपस में कैसी हों? बराबर हों, आपस में बराबर हो। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो इस तरह का चतुर्भुज कहलाएगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जो, देखिए ऐसा चतुर्भुज जो जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो, चक्री चतुर्भुज कहलाता है। ये चक्री चतुर्भुज है। पतंगाकार चतुर्भुज कैसा होता है? ये देखिए ऊपर की दोनों भुजाएं और नीचे की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसा चतुर्भुज कहलाता है पतंगाकार चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के प्रकारों में हम देखते हैं कि यदि इस चतुर्भुज में हम सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर कर दें, जैसे ए बी समांतर डी सी है, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर कर दें तो यह कहलाने लगता है समलंब चतुर्भुज। लेकिन समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज क्या है? ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसमें ये असमांतर वाली भुजाएं आपस में कैसी हों? बराबर हों, आपस में बराबर हो। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो इस तरह का चतुर्भुज कहलाएगा समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। देखें कि सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो जाएं और कम से कम एक कोण 90 अंश हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। यहां पर भी देखिए सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हो जाएं और चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हों तो ऐसा चतुर्भुज सम चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन इन दोनों गुणों को लेकर एक नया चतुर्भुज का निर्माण होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर और कम से कम एक कोण 90 अंश और चारों भुजाएं बराबर हों तो ऐसे चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों। यदि पहली भुजा 3 सेंटीमीटर है तो बाकी की दोनों और भुजाएं भी 3-3 सेंटीमीटर की होंगी, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब भी ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो इन तीनों कोणों की माप 60 अंश होगी। इन तीनों कोणों की माप क्या होगी? कोण ए भी 60 अंश होगा, कोण बी भी 60 अंश होगा और कोण सी भी 60 अंश ही होगा। फिर समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, जैसे कि यहां ए बी और ए सी भुजा बराबर हैं तो यह त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर देखिए विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजाएं किसी भी माप की हो सकती हैं, तीनों भुजाएं असमान हैं, त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि कोणों के आधार पर सभी कोण 90 अंश से यदि कम हैं, सभी कोण यदि 90 अंश से कम हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश हो, एक कोण 90 अंश होगा,
एक कोण यदि 90 अंश है तो दोनों कोण 90 से कम के होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 180 अंश के तो तीनों कोण होते हैं। तो यहां पर एक कोण 90 अंश हो तो ऐसा त्रिभुज हो जाता है समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जैसे कि अधिक कोण की परिभाषा है वैसे ही एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जैसे कि यहां 110 अंश का है, शेष दोनों कोण छोटे हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि कोणों के आधार पर सभी कोण 90 अंश से यदि कम है, सभी कोण यदि 90 अंश से कम है तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश हो, एक कोण 90 अंश होगा, एक कोण यदि 90 अंश है तो दोनों कोण 90 से कम के होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 180 अंश के तो तीनों कोण होते हैं। तो यहां पर एक कोण 90 अंश हो तो ऐसा त्रिभुज हो जाता है समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जैसे कि अधिक कोण की परिभाषा है वैसे ही एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जैसे कि यहां 110 अंश का है, शेष दोनों कोण छोटे हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। घातांक एवं करणी के नियम, घातांक एवं करणी के नियम देखिए, यहां पर देखिए दो अज्ञात राशियां x की घात m गुणा x की घात n यदि दिया है तो आधार समान होने पर, देखिए x x आधार दोनों में है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की घात हो जाएगी m धन n। फिर दूसरा है x की घात m बटे x की घात n, दो समान घात वाली राशियां, समान आधार वाली राशियां एक दूसरे के बटे में हैं तो इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। देखिए x की घात m बटे x की घात n है तो x की घात हो जाएगी m ऋण n। ऐसा ही अचर के लिए भी है कि 5 की घात m बटे 5 की घात n है तो 5 की घात m ऋण n हो जाएगी। अब यहां पर देखिए किसी संख्या की घात m है फिर उस पूरे की घात n है तो पूरे की घात हो जाएगी x की घात m गुणा n। फिर यहां तांक एवं करणी के नियम, दो अज्ञात राशियां x की घात m गुणा x की घात n यदि दिया है तो आधार समान होने पर, देखिए x x आधार दोनों में है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की घात हो जाएगी m धन n। फिर दूसरा है x की घात m बटे x की घात n, समान आधार वाली राशियां एक दूसरे के बटे में है तो इनकी घातें आपस में घट जाएंगी। देखिए x की घात m बटे x की घात n है तो x की घात हो जाएगी m ऋण n। ऐसा ही अचर के लिए भी है कि 5 की घात m बटे 5 की घात n है तो 5 की घात m ऋण n हो जाएगी। अब यहां पर देखिए किसी संख्या की घात m है फिर उस पूरे की घात n है तो पूरे की घात हो जाएगी x की घात m गुणा n। फिर यहां देखिए किसी भी संख्या की घात यदि ऋणात्मक है तो उस संख्या को हम धनात्मक घात के रूप में एक के बटे में लिख देते हैं, जैसे x की घात ऋण m का मतलब होगा एक बटे एक्स की घात एम। करणी के नियम है, करणी घात देखिए यहां पर करणी घात एन है, यहां पर भी करणी घात एन है तो दोनों की संयुक्त करणी घात एक्स इंटू वाई की भी एन होगी। अब यहां पर देखिए करणी घात एन करणी एक्स है और करणी घात एन करणी वाई है तो दोनों की संयुक्त करणी घात एन और एक्स बटे वाई हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए एन करणी घात है और करणी ए है तो ए की घात एक बटे एन हो जाएगा। जब भी हम करणी हटाएंगे तो ये पूरी घात एक के बटे में आ जाती है। मान लो तीन करणी घात ए है तो यहां हो जाएगा ए की घात एक बटे तीन, एन करणी घात है और ए की घात एन है तो ए की घात एन तो पहले से था और पूरी करणी घात एन का एक बटे एन, तो नीचे के एन से ऊपर का एन कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा? ए बचेगा। इसी प्रकार अब देखिए करणी ए और करणी ए बराबर ए हो जाएगा, करणी तीन और करणी तीन का गुणा करेंगे तो तीन हो जाएगा, करणी पांच और करणी पांच का गुणा करेंगे तो पांच हो जाएगा। घनखंड प्रमेय देखिए क्या है, यदि पी एक्स घात एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, या तो घात एक होगी या एक से अधिक होगी, ऐसा वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो, एक क्या हो? कोई वास्तविक संख्या हो तो एक्स ऋण ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। एक्स ऋण ए क्या होता है? पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। कब? यदि पी ए बराबर जीरो, यानी इस एक्स ऋण ए को जीरो के बराबर ले लो और एक्स बराबर ए आ जाएगा। इस एक्स के मान को ए रखने पर यदि बहुपद शून्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह एक्स ऋण ए एक गुणनखंड है।
या हम इसे बोल सकते हैं कि PA बराबर शून्य यदि है हमारे पास, होता है यदि x ऋण a px का एक गुणनखंड है। पहले से ही हमको बता दिया गया कि x ऋण a px का एक गुणनखंड है, तो x बराबर a जब भी हम रखेंगे तो हमें PA का मान क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। शेषफल प्रमेय पर, शेषफल प्रमेय क्या है, मान लीजिए px एक से अधिक या x के बराबर घात वाला एक बहुपद है, तो मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है, तो यदि px को रैखिक बहुपद x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। हम जब भी इससे भाग देंगे किससे, x ऋण a से, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल pa होगा। तो शेषफल pa होगा, तो यहां देखिए हमने x ऋण 1 से इस बहुपद में भाग दिया है, तो x ऋण 1 बराबर शून्य, तो x बराबर 1 रख देंगे इस बहुपद में। इस बहुपद में जब हमने x बराबर 1 रखा तो p1 का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, यानी p1 ही इस बहुपद का क्या है, शेषफल है। हमने यहाँ पर भिन्न को समझाने के लिए एक वृत्त लिया है, वृत्त के पूरे पूरे भाग को छायांकित किया, इसलिए यह वृत्त एक है। यहाँ पर देखिए वृत्त के आधे भाग को छायांकित किया है, तो यह वृत्त का कैसा भाग है, आधा भाग है, इसको हम लिखते हैं 1/2। आयत के आधे भाग को छायांकित किया तो यह भी कहलाएगा आयत का 1/2 भाग। इसी तरह से इस वृत्त में हमने तीन भाग बनाया और तीन में से एक छायांकित है तो 1/3, आयत में तीन में से एक छायांकित है तो 1/3। अब यहां पर वृत्त में चार भाग हैं और एक छायांकित है तो 1/4। इसी तरह से पांच भाग हैं और पांच में से एक छायांकित है तो 1/5। देखिए एक वृत्त में पूरा पूरा छायांकित है तो पूरा पूरा एक है, और दूसरे वृत्त में तीन में से एक भाग छायांकित है तो ये 1/3 है। इसी प्रकार एक और 1/3 जब मिलते हैं तो एक सही 1/3, तो ये इन दोनों को मिलाने पर भी क्या प्राप्त होगा, एक सही 1/3। यदि मान लीजिए हमें इस छह में से तीन भागों को हमने छायांकित कर लिया तो, और तीन भाग छायांकित नहीं है तो यह कहलाएगा 3/6। वृत्त में क्या है, आकृति एक दी गई है, इस आकृति में क्या है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ध्यान से देखिए बच्चों, बिंदु ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। फिर OA, OB, OC ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। BC वृत्त का व्यास है, B से C मतलब केंद्र से जाने वाली जीवा वृत्त का क्या होती है, व्यास कहलाती है, BC वृत्त का व्यास है। अब यहां पर देखिए चाप ADB, ये देखिए ADB छोटा लग रहा है ना, तो ये क्या है, लघु चाप है। तथा चाप ACB कैसा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो यह कैसा है, दीर्घ चाप है। L स्पर्श रेखा, ये देखिए एक रेखा C से होकर गई है, C को स्पर्श कर रही है, वह क्या है, स्पर्श रेखा है। एवं C स्पर्श बिंदु है, जहां पर वृत्त को स्पर्श रेखा टच करती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहां पर आकृति दो क्या कह रही है, आकृति दो में छायांकित भाग अर्धवृत्त है, जितना भाग हमने छायांकित किया, ये देखिए केंद्र है और जीवा है, ये ऐसी जीवा है जो कि व्यास है, व्यास के नीचे का पूरा भाग मैंने छायांकित कर दिया तो यह भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। तो शेष अछायांकित भाग भी क्या होगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब आगे आकृति तीन देखिए, आकृति तीन में छायांकित भाग लघु त्रिज्यखंड है, देखिए लाल छायांकित जो भाग है ये लघु त्रिज्यखंड है, पूरे खेत का छोटा टुकड़ा है। जो त्रिज्यखंड कैसे होते हैं, त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बनते हैं वो त्रिज्यखंड कहलाएंगे, तो ये लघु त्रिज्यखंड है। और जो शेष बड़ा वाला भाग, जो भाग ACB है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड क्या कहलाएगा, देखिए जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र, जीवा ने यदि किसी वृत्त को काटा है तो ये जो छोटा वाला भाग जो कटेगा ये लघु वृत्तखंड कहलाता है, और ये जो बड़ा वाला भाग कटेगा ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। समझ गए बच्चे, पहले बिंदु, वह सूक्ष्म चिन्ह जो किसी स्थान को दर्शाता है किंतु उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। स्थान तो है उसका लेकिन उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, तो ऐसे भाग को हम क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। ये देखिए बिंदु यहां दर्शाया गया है। फिर एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में अंत तक बढ़ती ही जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा अंत तक बढ़ती ही जाती है, दोनों दिशाओं में बढ़ती जाती है। फिर आगे देखिए किरण क्या है, किरण एक ऐसी रेखा है जिसके केवल एक सिरे में तीर का निशान हो, उसे किरण कहते हैं। इसका एक अंत बिंदु होता है तथा दूसरे सिरे को अंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड क्या है,
दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है, इसके अंत बिंदु होते हैं। चित्र में रेखाखंड ए बी है, इसके अंत बिंदु ए एवं बी है। आगे देखिए संगामी रेखाएं क्या कहलाती हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं हैं यदि वे सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। बीजी सरसमीकाय में ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन दो ए बी धन बी का वर्ग। ए ऋण बी पूरे का वर्ग होता है, तो ए का वर्ग ऋण दो ए बी धन बी का वर्ग, पहले वाले का वर्ग फिर ऋण दो ए बी धन बी का वर्ग। ये देखिए ए धन बी पूरे के वर्ग को हमने यहाँ पर आकृति के रूप में दिखाया है कि ये पूरा यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, ए धन बी, सारी लंबाई कितनी है ए धन बी। तो ए धन बी पूरे का ये वर्ग बना दिया मैंने, ये वर्ग है ना, तो इस पूरे के वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए ये पूरा है ए का वर्ग, येलो वाला भाग बी वर्ग है, ए बी ए बी है और ये ग्रीन वाला भी ए बी है, ए बी मिलकर कितना हुआ दो ए बी। तो ए का वर्ग धन दो ए बी धन बी का वर्ग मिलकर क्या होगा, ए धन बी पूरे का वर्ग होगा। इस तरह से हम बाकी सर्वसमीकरणों को भी समझा सकते हैं। आगे देखिए ए ऋण बी गुणा ए धन बी कैसे हल होगा, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ए धन बी और ए ऋण बी का जब हम गुणा करेंगे तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग प्राप्त होगा। अब x धन a इंटू एक्स धन बी, x वर्ग धन a धन b x धन ए बी, ये सर्वसमीकरण हमें याद रखना है। फिर a धन b धन c पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca, इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। a धन b पूरे की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक में a धन b। आगे है ए ऋण बी पूरे की घात 3 बराबर ए की घात 3 ऋण बी की घात 3 ऋण 3 ए बी कोष्टक में ए ऋण बी। फिर अगली सर्वसमीका है ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में ए धन बी दूसरे कोष्टक में ए वर्ग ऋण ए बी धन बी वर्ग। ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन सी की घात 3 ऋण 3 ए बी सी है, एक कोष्टक में ए धन बी धन सी और दूसरे कोष्टक में होगा ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग ऋण ए बी ऋण बी सी ऋण सी। संख्याएं के बारे में जानेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर देखिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जैसे ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 आदि, और पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक में देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राकृत संख्याएं जैसे कि गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 हमारी गिनती प्राकृत संख्याएं हैं, और जीरो, प्राकृत संख्याएं और जीरो से मिलकर क्या बना है पूर्ण संख्याएं। अब जो अपूर्णांक है वो कैसे है, जो पूरे पूरे नहीं है, या तो बटे के रूप में है या दशमलव के रूप में है, जैसे यहां पर 2.56 0.75 5.2 3/5 5/6 ऐसे भिन्न क्या कहलाएंगे अपूर्णांक कहलाएंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये देखिए मैंने यहां पर एक त्रिभुज बनाया, यहां पर रेड ग्रीन और ब्राउन तीन रंग मैंने इसमें भर दिए, और इन तीनों रंगों के भाग को जब हम काटेंगे और एक पंक्ति में लगाएंगे तो इस तरह से ये 180 अंश का एक आधा चांद बन जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा, ये हमने यहां पर चार अलग अलग रंग चतुर्भुज में हमने पेंट किया और इन चारों के भागों को जब काटकर आपस में जोड़ा तो एक वृत्त बनकर तैयार हो गया, क्योंकि वृत्त के सभी कोण मिलकर कितना बनाते हैं 360 अंश होता है, इसलिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा 360 अंश होगा। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो वे पूरक कोण कहलाते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। कक्षा 10वीं के बहुपद 2.1 में हम ये देखना चाहेंगे कि x अक्ष को ग्राफ कितने बार काट रहा है। यहां पर देखिए x अक्ष को एक भी बार नहीं काटा, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्य है। यहां पर x अक्ष आड़ी लाइन को इस ग्राफ ने एक बार काटा, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है। यहां पर देखिए एक दो और तीन बार x अक्ष को काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या तीन है। यहां पर x अक्ष कितने बार काट रहा है, दो बार कट रहा है, शून्यकों की संख्या दो है। यहां पर x अक्ष एक दो तीन चार बार कट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या चार है, और इस वक्र के द्वारा x अक्ष एक दो तीन बार कट रहा है, अतः शून्यकों की संख्या तीन है। समकोणिक निर्देशांक पद्धति क्या होती है, देखिए इसमें चार चतुर्थांश में इसे बांटा जा सकता है, 90-90 अंश के समकोण, इसलिए हम इसे समकोणिक निर्देशांक पद्धति कहते हैं।
पहला होता है प्रथम चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों के मान धनात्मक होते हैं, दूसरा है द्वितीय चतुर्थांश जिसमें x का मान ऋणात्मक और y का मान धनात्मक होता है, तीसरा है तृतीय चतुर्थांश जिसमें दोनों मान ऋणात्मक होते हैं, चौथा है चतुर्थ चतुर्थांश जिसमें x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक होता है। इस तल को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक तल, और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक तल को चार भागों में बांट देते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं। मूल वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं और एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं।